वृंदावन के राधा माधव स्थित आश्रम में चल रहे सप्त दिवसीय शिव महापुराण में कथा के चौथे दिन कथा आचार्य द्वारा शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। विवाह उत्सव की झांकियां भी सजाई गई। कथा व्यास ने बताया किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भूत भावन को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं ने शिव पार्वती विवाह करवाया। सभी श्रद्धालु ने उत्साह के साथ विवाह उत्सव मनाया। तो लगता है हमारे जैसे हैं भगवान राम को पूजने वाले भजने वाले। अच्छा, भगवान शंकर के भजन को करने वाले हैं। भगवान शंकर वहां से आ गए, चिता की तैयारियां होने लगते और उनके साथ भगवान शंकर भी चलने लग गए। कहने लगे राम नाम आज श्री राधा माधव मंदिर आश्रम में स्वर्गीय श्री राम भरोसे श्रीवास्तव जी की स्मृति में श्रीवास्तव परिवार बेरछा मंडी द्वारा आचार्य श्री सूरज जी के मुखारविंद से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण का प्रारंभ दिनांक 12 फरवरी 2023 से 18 फरवरी तक रहेगा। इसी के उपलक्ष्य में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। मेरा आपकी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सभी अधिक से अधिक संख्या में राधा माधव आश्रम में पधार कर शिव कथा का श्रवण कर इसका लाभ लें।